हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परी एंटरटेनमेंट। और आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे घर में आप होममेड सैनिटाइज़र बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो सैनिटाइज़र उतना ही इफ़ेक्टिव होगा जितना कि बाहर का मार्केट वाला सैनिटाइज़र है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मार्केट में अभी सैनिटाइज़र अवेलेबल ही नहीं है। मैं भी बहुत सारी शॉप्स पे गई, मेडिकल स्टोर्स पे जाके मैंने पूछा, पर कहीं पे भी हैंड सैनिटाइज़र मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि आप बना सकते हैं हैंड सैनिटाइज़र अपने घर पर कुछ चीज़ों के साथ, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहती हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का मेन मकसद क्या है? आपकी सुरक्षा। देखिए, मैं ये हैंड सैनिटाइज़र का इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके परिवार वाले भी सुरक्षित रहेंगे। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस इतना डेंजरस है कि अगर एक परिवार में किसी एक व्यक्ति को हो गया तो परिवार के सारे व्यक्तियों को हो सकता है ये। देखिए, ये लक्षण हो सकते हैं कोरोना वायरस के, तो आप ध्यान रखिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस कितनी जल्दी फैल रहा है, तो छूने से किसी जगह पे जाते हैं आप, किसी चीज़ को टच कर लेंगे तो उससे भी हो सकता है, आप हाथ मिलाते हैं उससे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपको अपने हैंड वॉश करने हैं। अगर आप ऐसी जगह ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि आप हैंड वॉश नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या चाहिए? हैंड सैनिटाइज़र। और अगर आपके पास हैंड सैनिटाइज़र आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप इसे घर पे बना सकते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है, हैंड सैनिटाइज़र आपको हर जगह कैरी करना चाहिए अगर आप बाहर आपको जाना पड़ता है तो। तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या क्या किस किस चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए, उसके लिए आपको ये चाहिए, अल्कोहल, रबिंग अल्कोहल, और या फिर इसे बोलते हैं सर्जिकल स्पिरिट, सर्जिकल क्लिनिकल स्पिरिट। ये किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा, और ज़्यादा नहीं, ये सिर्फ 33 रुपीज़ का है। हाँ, बहुत ही सस्ता है और इससे आप बहुत सारा बना सकते हैं। इसमें अल्कोहल होता है 70%, और आपको हैंड सैनिटाइज़र के लिए 70% अल्कोहल चाहिए। ऑलमोस्ट 60% अल्कोहल होना चाहिए, इसमें 70% है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा। रबिंग अल्कोहल बोलते हैं इसको, और सर्जिकल क्लिनिकल स्पिरिट भी बोलते हैं। और दूसरी चीज़ है एलोवेरा जेल, ये तो हर जगह अवेलेबल है। अगर आप मार्केट में भी नहीं तो आपके पास अगर एलोवेरा जेल का पौधा है, पेड़ है, जो भी है, तो जैसे कि ये, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मार्केट वाला नहीं लेना चाहते हैं तो आप ये वाला एलोवेरा ले सकते हैं, इसका जल निकाल के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है एसेंशियल ऑयल, किसी का भी आप ले सकते हैं। मैंने लिया है टी ट्री का। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके हाथ साफ होने चाहिए। तो अभी मैं मार्केट वाला हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर लेती हूँ स्टार्ट करने से पहले। वैसे मैंने हैंड वॉश कर लिया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं बना रही हूँ तो इससे पहले अपने हाथों को क्लीन कर लूँ, ठीक है। और आप, मैंने ये ग्लास लिया है क्योंकि ट्रांसपेरेंट है और इसमें आपको दिखाई देगा कि मैं किस मात्रा में बना रही हूँ, ठीक है। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले लेना है रबिंग अल्कोहल, ठीक है, और इसकी मात्रा मैं बताती हूँ। मात्रा आप कैसे डिसाइड करेंगे?
दो तिहाई मान लीजिए अल्कोहल हम ले रहे हैं, ठीक है, तो एक तिहाई एलोवेरा जेल होना चाहिए। मान लीजिए हम ले रहे हैं यहाँ पे एलोवेरा जेल, अल्कोहल से आधा होना चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 स्पून, टू स्पून अल्कोहल हमने लिया, तो हमें अब चाहिए एलोवेरा जेल 1 स्पून। एक स्पून एलोवेरा जेल हमें चाहिए, ठीक है, और उसके बाद हमें चाहिए 7-8 बूंद एसेंशियल ऑयल की, या 10-12 भी हो सकती है। अब इसको हमें क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसको मिक्स करना अच्छे से। देखिए इसका मेन जो है वो है अल्कोहल, ठीक है, इसको बंद कर देते वरना उड़ जाएगा। मेन जो है रबिंग अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल से जो भी कीटाणु होते हैं, जो भी जर्म्स होते हैं, वो सब हट जाते हैं, मर जाते हैं। ये ऑपरेशन से पहले यूज़ किया जाता है, ऑपरेशन के टाइम पे यूज़ किया जाता है। आपको कहीं चोट वोट लगती है तो सबसे पहले अल्कोहल डाल के उसे क्लीन किया जाता है, तो ये उस तरीके से उसका इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए हैंड सैनिटाइज़र में अगर आप मार्केट से भी अगर मिल जाता है आपको लेते हैं तो अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए। देखिए इसको मिलाने में थोड़ा टाइम लगेगा आपका ज़रूर, क्योंकि एलोवेरा जेल थोड़ा सा ज़िद्दी है तो थोड़ा मिलाना पड़ेगा अच्छे से। देखिए थोड़ा सा गाढ़ा बन गया ये। मैंने आपको थोड़ा सा बना के बताया है ताकि आप इस बात को समझ सके कि आपको किस हिसाब से बनाना है। कि अगर आप अल्कोहल की मात्रा हमेशा ज़्यादा होना चाहिए और उसका आधा होना चाहिए ये एलोवेरा जेल। आप कितनी भी मात्रा में इसको बना सकते हैं, आप चाहे तो बड़ी का शीशे में अच्छे से बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, घर परिवार के सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मिक्स हो गया है। अब ये जो बना है इसके लिए आप एक खाली शीशी रखिए। घर में बहुत सारी शीशियाँ होती हैं, डब्बे होते हैं, मैंने ये वाला मेरा आयुर का ये जेल का वो था, क्लिनजिंग मिल्क का वो था, तो इसमें मैं भरूँगी इसको और फिर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं हमारा ये सैनिटाइज़र तैयार हो चुका है। अब मैंने बहुत ही कम मात्रा में बनाया है क्योंकि अभी मेरे पास ऑलरेडी सैनिटाइज़र रखा हुआ है, लेकिन हाँ आप लोग इसे बना सकते हैं। अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो मार्केट से महंगा हैंड सैनिटाइज़र लेने के बजाय आप इसे घर में ही बना सकते हैं और ये उतना ही इफ़ेक्टिव है। तो चलिए अब हमारा सैनिटाइज़र बन गया है, अब हम इसे शीशी में डाल लेते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मेन जो है वो अल्कोहल, रबिंग अल्कोहल वो मेन है, और एलोवेरा जेल हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अल्कोहल से हैंड वॉश करने के बाद आपका जो हाथ है वो काफ़ी रूखा हो सकता है, तो इसके लिए हमें एलोवेरा जेल चाहिए और एसेंशियल ऑयल इसलिए चाहिए कि ताकि उसमें थोड़ी सी महक रहे। हमारा सैनिटाइज़र इसमें आ गया है, अब हम इसको इस्तेमाल करके देख लेते हैं। खुशबू अच्छी है, ओके। ये मुझे वैसा ही लग रहा है जैसे मार्केट का,
कोई भी हैंड सैनिटाइजर हो, कोई डिफरेंस नहीं है, खुशबू भी वैसी है। तो देखिए, कोरोना वायरस को आप इतने हल्के में मत लीजिए। चाइना में कम से कम 4,000 लोग मर चुके हैं और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें लोग इन्फेक्टेड हैं और काफ़ी लोग इस वायरस की वजह से मर चुके हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में, मैं आपके साथ डेटा शेयर कर दूँगी, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं कि कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग इन्फेक्टेड हैं। और ये धीरे धीरे इंडिया भी पहुँच चुका है, इंडिया में धीरे धीरे फैल रहा है। मैं मुंबई में हूँ, मुंबई में भी काफ़ी केसेस आ चुके हैं। तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, हर जगह जहाँ भी जाते हैं हैंड सैनिटाइज़र ले जाना ना भूलें, अपने हाथों को हैंड सैनिटाइज़र से क्लीन करना ना भूलें। और अगर आप घर पे हैं या किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे आप हैंड वॉश कर सकते हैं, तो उससे बेस्ट कोई ऑप्शन है ही नहीं। अपने हाथों को कम, अगर आप हैंड वॉश कर रहे हैं तो अपने हाथों को कम से कम 20 सेकेंड तक साफ़ करिए और फिर उसको धो लीजिए, साबुन से अच्छे से साफ़ करिए 20 सेकेंड तक और उसके बाद धो लीजिए। तो उससे बेस्ट ऑप्शन है ही नहीं कोई। लेकिन अगर नहीं है ये, तो हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ये तो एक तरीका था जो कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप हैंड सैनिटाइज़र घर में बना सकते हैं। लेकिन और भी कुछ घरेलू तरीके हैं जिससे हैंड सैनिटाइज़र आप बना सकते हैं, वो उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना कि मार्केट का हैंड सैनिटाइज़र। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो बताना ना भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी एक नई वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको और भी तरीक़ों से हैंड सैनिटाइज़र बनाना बताऊँ, तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं। बताना ना भूलिएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये इस वीडियो को देख के बहुत सारे लोग सीख सकते हैं कि कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने परिवारजनों में, अपने दोस्तों में, अगर आप उनका ख्याल रखना चाहते हैं तो। और बाकी चलिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते रहिए। ओके, बाय बाय।